के सारे देखने वाले सुनने वालों को सना ज़िया की तरफ से बहुत बहुत सलाम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि माशाल्लाह रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और हम लोग सभी रोज़े रख रहे हैं। ये बड़ा बाबरकत महीना है और इसमें टाइम टू टाइम जैसे कि हम आपके साथ डिफरेंट चीज़ें शेयर कर रहे हैं, आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम पाकिस्तान से लाइव लें अपने किसी गेस्ट को और उनसे पूछें कि पाकिस्तान में रमज़ान कैसा गुजरा है। तो चलें मेरे साथ मिलकर वेलकम करते हैं हदीका खान का पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम हदीका। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। रमजान बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो आपको, और जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी जी, आपको भी और अगेन हमारे जो A1 टीवी के व्यूअर्स हैं उन सबको भी बहुत बहुत रमजान मुबारक। तो कैसा गुजर रहा है रमजान आपका? अल्हम्दुलिल्लाह रमजान बहुत अच्छा गुजर रहा है। जैसे कि सब मुसलमानों को पता है और जैसे सबको पता है कि ये रहमतों भरा ये महीना जो है अल्लाह ताला ने हम सब लोगों के लिए बनाया ताकि हम लोग इसमें खुदा की बहुत सारी रहमतों को फिर से समेट सकें, बिल्कुल अपने अंदर वो तब्दीली ला सकें। जो हम नॉर्मल रूटीन में बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं कर पाते तो रमजान में ये वक्त है कि हम लोग सिर्फ थोड़े टाइम के लिए नहीं अपने दिमाग को अपने दिल को ऐसे बदल दें कि अल्लाह जी भी हमसे खुश हो जाए और हम लोगों की एक अच्छी आदत भी बन जाए और ये सारी जो है इसको हम रमजान के बाद भी अपनी जिंदगी में लेकर चल सके। जी जी इंशाल्लाह। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो रमज़ान है ये काफ़ी मुख्तलिफ है हमारे पिछले जितने भी रमज़ान गुजरे हैं। इस बार ही जो है मतलब तमाम पूरी दुनिया पर ही COVID-19 के बादल छाए हुए, तो इसमें रमज़ान पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? अब तो रमज़ान की वो गहमा गहमी नहीं है, पहले हर साल हम लोग मिस किया करते थे कि पाकिस्तान में तो खूब गहमा गहमी होती है रमज़ान की, तो इस बार ही तो लॉकडाउन है, तो आप क्या कहती हैं, क्या तासुरात हैं आपके? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि इस लॉकडाउन की वजह से जो है बहुत सारी चीजें मुतासर हुई हैं और रमजान के आते ही जैसे एक रमजान की आमद पर जैसे एक गहमा गहमी हमें हर तरफ दिखाई देती है, वो सहरी का मजा, वो अफ्तार का इंतजार और वो रोड्स पर लोगों की जो गहमा गहमी होती है अफ्तार के लिए जाना, सारी चीजें लेकर आना और इवन के रोड साइड पर भी जो है अफ्तारी का इंतजाम और एहतमाम बहुत भरपूर तरीके से किया जाता था, लेकिन अब सब लोग जो है सिर्फ घरों तक हो गए हैं तो वो ये बात है कि उस चीज में थोड़ी सी कमी है। लेकिन हम सब लोग यही कर सकते हैं कि मिलकर दुआ करें और घर पर रहें। अब क्योंकि वक्त ऐसा है कि हम सब लोग घर पर रहेंगे तो उसके बाद हम लोग जो है महफिल में जाकर बैठ सकेंगे या लोगों के बीच में जाकर बैठ सकेंगे। बिल्कुल, जाहिर है अभी तो कुछ टाइम लगेगा और ये कि इस तरह के रमजान में हम लोग ये भी मिस करते हैं कि पहले तो रमजान में खूब सारी तैयारियां होती हैं कि कभी अपने रिश्तेदार की तरफ, कभी किसी दोस्त की तरफ अफ्तारी, और अब ये सारी पार्टीज मिस हो गई हैं। नहीं बिल्कुल, सब कुछ ऐसा हो गया, हम लोगों को सबको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी जो है वो बस घर से घर तक ही महदूद हो गई है। जी जी, बहुत शुरू में जो है लोगों को इस चीज में भी दिक्कत पेश आ रही थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ये है कि कोई भी वक्त हो तो इंसान उसका यूज टू हो जाता है, तो अब जो है लोगों ने थोड़ा समझौता कर लिया उस चीज से। लेकिन एक हद से ज्यादा घर पर भी रहना हर इंसान की जो है उसको जहनी तौर पर ये चीज मुतासर कर रही है, तो हर इंसान की अपनी तरफ से यही कोशिश है अब कि बस ये सारी चीजें खत्म हो तो जल्दी से जल्दी वो रमजान में भी अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अफ्तारी का मजा ले सके। जी जी, हम उसके लिए दुआगो हैं इंशाल्लाह। तमाम जितनी मुस्लिम कायनात है वो मुस्लिम लोग हैं सारे के सारे, वो भी यही दुआ कर रहे हैं कि जाहिर है इस रमजान में मतलब के आगे आने वाले जो रमजान है वो कम अज कम इससे बेहतर हों और ये कि जल्द अज जल्द हम ये जो लॉकडाउन की सूरत हाल से बाहर आए। अच्छा, तो एक और मजे की बात है जो कि ऑस्ट्रेलिया में हमारा रोजा तो छोटा होता है और आप लोगों का गर्मी भी है और रोजे भी लंबे हैं, तो उसमें कैसा लग रहा है? आप तो खैर घर में होते हैं तो वो कैसा गुजरता है फिर? तो ये है कि गर्मी जो है गर्मी की शिद्दत में भी हल्का हल्का इजाफा जो है वो हो रहा है और 16-17 घंटे एक साथ भूखे रहना, और वैसे तो ये रूटीन होती है सबकी, वैसे जब सब ऑफिस जा रहे होते हैं घर से बाहर तो वही होता है एक भी आपने खा ली, अब सब लोग सिर्फ घर पर ही मौजूद है तो मंचिंग क्रंचिंग जो है वो थोड़ी थोड़ी देर है तो ज्यादा खाने की आदत जो है वो सबको पड़ चुकी है, बस मुंह चलाते रहना। तो अब रमजान में ये है कि 16-17 घंटे का रोजा तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा असर हो रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है उस चीज की भी आदत पड़ रही है और ऑब्वियसली अच्छी आदत है। रोजा अगर इंसान रखता है तो अल्लाह जी उसको पूरा करने की हिम्मत भी खुद ही देते हैं, तो इंशाल्लाह
रमजान जो है से बहुत अच्छे तरीके से सबका गुजरेगा। जी। और बाकी लेकिन ये है कि ये आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की, वाकई मंचिंग की आदत पड़ गई है, क्योंकि आपने घर में एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे से तीसरे कमरे तक ही जाना है, और जाहिर है कितना लंबा टाइम है तो बंदा कितना सो के गुजार सकता है। और इसमें तो जाहिर है हमें इबादत भी करनी होती है, लेकिन वो इबादत करने के बाद भी और वो सब करने के बाद भी तो पाकिस्तान में तो काफी जो है वो टाइम लंबा है, हमारा तो फिर भी जल्दी गुजर जाता है। जी बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगी कि जो लोग जो है इस चीज से या इस बात से परेशान थे कि हम लोग घर पर लॉकडाउन है, हम लोग आखिर कितना इंटरनेट यूज करेंगे, आखिर कितना सोशल मीडिया यूज बिल्कुल करेंगे, आखिर कितना हम फोन, मूवीज, गेम्स, ये सारी चीजें हम कितना देर कर लेंगे, तो उन सब लोगों के लिए मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा मौका है, रमजान भी है, रहमतों का महीना है, और आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, इबादत कीजिए। जो आप नॉर्मल रूटीन में टाइम जो है कुरान पाक रोजाना रोजमर्रा की रूटीन आप नहीं पढ़ पाते, ज्यादा सा वक्त कुरान पाक को समझें, पढ़ें तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ें, अपनी नमाजें जो है उनको कंप्लीट कीजिए, वैसे भी घर पर है तो ये सारी चीजें आप जैसे ही इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा फर्क महसूस होगा, और आपको ये वक्त भी जो है लॉकडाउन भी फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि बुरा लगेगा, आपको उसकी आदत पड़ेगी और आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, वाकई अल्लाह की हर काम में कोई बेहतरी होती है इस लॉकडाउन में, जहाँ और इसके नुकसान है वहाँ एक फ़ायदा ये भी है कि हमारे पास इतना टाइम आ गया कि हम जाहिर है अल्लाह की इबादत करते हुए हर चीज़ को ध्यान से सोच के और पूरे तहम्मुल के साथ टाइम दे सकते हैं, अपनी इबादत अच्छे से कर सकते बिल्कुल हैं, कुरान मजीद को पूरा सोच समझ के पढ़ सकते हैं, और ये कि जाहिर है बिल्कुल इससे आपके बच्चे भी सीखते हैं। जैसे मैंने पिछले दिनों देखा था, अक्सर लोग अब नेट पर डाल रहे हैं कि अगर मस्जिद नहीं जा सकते, जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो हमें अलाउ नहीं है कि आप मस्जिद में जा सकें, मेरा ख्याल पाकिस्तान में शायद ये है कि थोड़े थोड़े वक्फे से आप शायद मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मस्जिद जा सकते हैं, मैं सही कह रही हूँ या पाकिस्तान में भी बंद है? पाकिस्तान में भी काफी सारी मसाजिद जो है वो बंद है, लेकिन जो कुछ खुली हुई है वहां पर ये है कि आप सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है, और दूसरा ये कि प्रॉपर सैनिटाइज करके आप जाके तो उतना ही जितना डिस्टेंस मेंटेन करना है उतने डिस्टेंस पर जाकर जो है आप अपनी नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ भी अभी जो है मसाजिद जो है वो बंद है। जी, तो वो घर से अगर आप तमाम करते हैं तो मेरे ख्याल है आप वो पिछले दिनों में पढ़ी थी, उन्होंने कहा आप अपने घर में ही मस्जिद बनाएं और अपने बच्चों के साथ मिलकर नमाज पढ़ें, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, कई बार हम इतने और ज्यादा बहुत बिजी अच्छी होते हैं। बात है बिल्कुल, जी, और ऐसे छोटे बच्चों को भी साथ साथ आदत पड़ेगी, बच्चे क्योंकि बच्चों का दिमाग जो है वो ग्रो कर रहा होता है, वो जो चीज अपने बड़ों में देखते हैं अपने सामने वो देखेंगे वो वही करेंगे, अगर वो सबको एक साथ बैठा हुआ बातचीत करता भी देखेंगे अच्छे तरीके उनके जहन पर भी अच्छा असर होगा, तो इसी तरह अगर वो अपने बड़ों को एक साथ नमाज पढ़ता हुआ देखेंगे तो बच्चे इसी चीज की तरफ आएंगे, तो जो कि एक बहुत बिल्कुल अच्छा जेस्चर है, तो ऐसा ही करना चाहिए सबको। जी, और मेरा ख्याल है वही वाली बात है कि इसमें ये भी बड़ी बेहतरी है। और ये बताएं कि आपने कितनी कुकिंग की, क्योंकि यहाँ तो मैं देख रही हूँ सारे ही लोग सुगड़ हो गए हैं, आप बताएं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपने ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी चीज को पॉइंट आउट किया आपने, जो लड़कियां जो नॉर्मल रूटीन में ऑफिस जा रही हैं या अपने काम से जा रही हैं तो उनको इतना टाइम नहीं मिलता था कि मतलब अपने लिए कुकिंग कर सके या घर वालों को कुछ बना के खिला सके। अपना अगर मैं बताऊँ तो मुझे कुकिंग का शौक वैसे पहले भी था, लेकिन अच्छा, अभी ये है कि घर पर रह के मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिन में 3 4 5 घंटे अगर किचन में जाके कोई नई रेसिपी रोजाना की अगर ट्राई नहीं करती तो मुझे पर्सनली खुद को सुकून नहीं मिलता, तो मैं रोजाना कुछ ना कुछ नया जो है वो ट्राई कर रही होती हूँ और खिला रही होती हूँ सबको, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको अच्छा भी लगता है। तो इसका मतलब है हम ये सोचे कि जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो बाकी सारी लड़कियों की तरह दीक्षा भी फर्स्ट क्लास शेफ बन चुकी होगी। हरीका तो फर्स्ट क्लास शेफ जो है वो बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर वाले सब लोग जो है वो मेरे खाने जो है उनसे बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, मैं चाहे काम पर जा रही हूँ या नहीं जा रही तो मेरी पक्का ही ये रूटीन होती है कि मैं ब्रेकफास्ट खुद बनाती हूँ, लंच बनाकर जाती हूँ और डिनर फिर वापस आके बनाती हूँ, तो मतलब मैं खाना जो है वो खुद ही बनाती हूँ। चलो तो अच्छा, फिर तो आपको बाहर किसी भी मुल्क में जाकर एडजस्ट होने में कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको काम हाँ की बिल्कुल आदत है ठीक तो फिर तो कह आप कहीं पे भी बाहर आ सकते हैं। और मैं ये चीज के सिर्फ ये नहीं कि इस टाइम पर जो लड़कियां जिन्होंने सीखा है उनको भी ये चीज दिमाग में, क्योंकि अक्सर मैं ये देख कि लड़कियां जो है वो घर से बाहर अगर जा रही हैं तो बहुत सारी लड़कियां या कुछ लोगों की आदत होती है अपने दोस्तों अगर बैठे हैं तो वो इस चीज को एक्सपोज नहीं करते कि मुझे घर का काम आता है, हालांकि मैं ये चीज पर्सनली समझती हूँ कि अगर आप ये चीज सबको बता रहे हैं तो उसमें कोई मजायका नहीं है, बिल्कुल घर का काम बिल्कुल आना वो कोई गलत बात नहीं है, एक सुगड़ एक अच्छी लड़की जो अपने माँ बाप की खिदमत कर रही है, अपने बहन भाइयों को अपने घर वालों को खाना बना कर
इससे अच्छी बढ़कर क्या बात हो सकती है। तो खाना बनाना एक, मैं कहती हूँ कि ये बेसिक सी चीज है जो हर लड़की को आना चाहिए। बिल्कुल, और वैसे भी ये भी एक आर्ट है, और दूसरा ये कि आपको आना बिल्कुल चाहिए। अब जैसे वो लड़कियां जो अचानक शादी के बाद इन्हें बाहर आना पड़ जाता है, और यहाँ पे तो कोई काम वाले नहीं होते, हम अक्सर आपस में यही बातें करती बिल्कुल हैं कि वी आर कुक, वी आर सर्वेंट्स, वी आर द क्लीनर्स, एवरीथिंग वी हैव टू डू बाय आर सेल्व्स। तो यहाँ पे तो कोई काम वाला नहीं मिलता, आप ही हैं। तो इस तरह मेरा बिल्कुल ख्याल है कि आपको हर चीज आनी चाहिए। बिल्कुल। और हर और चीज सुनाएं इसी फिर, तरह ही घर है पे कि आप रमजान कैसा गुजरा है? घर पर रमजान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। जो पहले जो है मेरी रूटीन, अपनी रूटीन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि मेरा बहुत जी टफ जी टाइम होता है कि रेडियो शोज और बाकी रिकॉर्डिंग्स और वॉइस ओवर्स और अपनी जॉब को साथ जी लेकर जी चलना, घर वालों के साथ जो इतना ज्यादा टाइम मुझे नहीं मिल बिल्कुल पाता था स्पेंड करने जी को, जी लेकिन अब जो है मैं अपनी फैमिली वालों के साथ प्रॉपर टाइम दे सकती हूँ सबको। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप एक क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं, तो फैमिली भी खुश है, क्योंकि पहले उनको भी बच्चों से यही शिकायत होती थी कि यार तुम हमें टाइम नहीं देते, लेकिन अब सारा का सारा वक्त जो होता है हम अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बिल्कुल वालदैन के साथ सिर्फ इस टाइम में नहीं बाकी नॉर्मल रूटीन में भी थोड़ा सा वक्त ऐसा जरूर निकालिए जो आप अपने माँ बाप के साथ बैठकर बात कर सकें, उनको भी अच्छा लगे। जी। वही वाली बात है कि आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं तो वो बहुत बड़ी रहमत हैं, और ज़ाहिर रमज़ान के बिल्कुल हवाले से मैं दुआ करती हूँ कि वो तमाम लोग जिनके पेरेंट्स हयात हैं, तो ये बहुत बड़ी नेमत है, आप इस नेमत को अवेल करें, उनकी खिदमत करें, उनके साथ बैठें, उनसे बात करें। क्योंकि जब वो लोग जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो जाहिर है वो इस दर्द को बिल्कुल महसूस कर सकते हैं कि ये एक ऐसा खला है जो सारी उम्र पूर्ण नहीं हो सकता। ये वो खला है जो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। माँ बाप की बिल्कुल कमी जो है दुनिया का कोई रिश्ता जो है उसको पूरी नहीं कर सकता। पूरी नहीं कर सकता, बिल्कुल। और दूसरा ये भी है कि आपके बच्चे जो हैं उनको भी इस तरह क्वालिटी टाइम मिल रहा है, क्योंकि पेरेंट्स घर में हैं, माँ भी घर में है, बाप भी बिल्कुल घर में है। अब जैसे हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो लाइफ इज़ सो बिजी, इवन पाकिस्तान में भी यही है अक्सर, अब तो पेरेंट्स दोनों ही बिल्कुल जॉब कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए इतना नहीं होता। तो आई थिंक अब ये बेस्ट टाइम है जिसको हम पॉजिटिव वे में भी लेके चल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग ये चीज समझते हैं कि यार हम घर पर बैठे बोर हो रहे हैं, तो वो मैं सबसे यही कहती हूँ कि आप लोग घर पर बैठकर कुछ ऐसे क्रिएटिव काम करें, कुछ अच्छे काम का आगाज करें कि जब ये टाइम खत्म हो तो इसके बाद आपके पास कुछ अच्छी मेमोरीज हो कि मैंने इस वक्त को जो है वो जाया नहीं किया, मैंने इस वक्त में बैठकर भी कुछ अच्छे काम किए हैं जिनको मैं अब आगे भी लेकर चल सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। अच्छा, तो अब चलते चलते बात करते हैं, ज़ाहिर रमज़ान है, ये महीना शुरू हुआ है, तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से आहिस्ता आहिस्ता ये पाया तकमील तक भी पहुँचेगा। तो फिर इस बारी तो ईद की मेरा ख्याल है वो गहमा गहमी नहीं होगी, आप क्या कहते हैं? ईद की मैं ये चीज समझ, जैसे कि अब इस चीज को अगर हम पॉजिटिव वे में लें तो सारे लोग घर पर मौजूद है अपनी फैमिली के साथ, ये तो तो है, ईद की तैयारियां या ईद की खुशियां जो है मुझे नहीं लग रहा कि उसमें कमी आएगी। हाँ उसमें ये होगा कि आप सबके साथ शॉपिंग करने के लिए वैसे नहीं जा बाहर सकते नहीं जैसे जा आप पहले सकते, रोड बिल्कुल जाके घूमना ये वो सारी चीजें, लेकिन ये है कि ईद की वो घर वालों का भी वो शिकवा या वो गिला हमेशा जो रहता है वो दूर हो जाएगा, तो सब लोग अपनी फैमिली के साथ घर पर ईद करेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद इस दफा का ये एक न्यू एक्सपीरियंस होगा और कुछ नया लर्न करने को मिलेगा, और फैमिली के साथ ईद होगी तो ऑब्वियसली वही है कि शायद ये अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम अपने खानदान वालों के साथ घर पर रहकर ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकें, और वो सारी खुशियां जो है वो सिर्फ उनके साथ सेलिब्रेट कर सकें क्योंकि उनका भी तो हक बनता है। तो इसको भी अगर हम पॉजिटिव वे में लेके चले तो इंशाल्लाह ईद जो है वो पहले की तरह ही भरपूर होगी, लेकिन घर पर होगी, फर्क सिर्फ इतना होगा। हाँ ये तो है कि जाहिर है वही वाली बात है, पॉजिटिव थिंकिंग इज़ रिक्वायर्ड। अब जैसे बिल्कुल मैंने देखा अभी जब जैसे रमज़ान आने वाला था, तो कई लोग जो थे वो बड़े डिसअपॉइंट थे कि पता नहीं कौन सा गुनाह सरजद हो गया है जो कि अब आप मस्जिद में नहीं जा सकते, जाहिर है वो नमाज तरावी नहीं हो सकती। फिर हमारे यहाँ पे तो कई उलमा हज़रात है जिन्होंने ऑनलाइन आके कहा था कि कोई बात नहीं, जाहिर है सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो ये कि अगर जी इस साल नहीं भी हो रही है तो कोई बात नहीं, आप घर में तरावी का एहतमाम कर सकते हैं, आप ये कि ऑनलाइन तरावी सुन सकते हैं, ये होगा कि वो इमाम के आप सुन सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि बा जमात तरावी हो सकती है या क्या। तो हर एक चीज़ का अच्छा बुरा पहलू तो है, इट डिपेंड्स कि आप कितना बिल्कुल पॉजिटिव रहकर उस चीज़ को देखना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह जो है अल्लाह तो अपनी तरफ बुला रहा है, अल्लाह तो अपनी तरफ आपको बुला रहा है, तो वो आप
ये जरूरी नहीं है कि चलिए ये वक्त है हम लोगों पर कि घर पर बैठ के अगर आप लोग सब कुछ कर रहे हैं, आप मस्जिद नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, आप घर पर नमाज पढ़िए, अजान तो हो रही है 5 वक्त की, आप घर पर नमाज पढ़ें, आप घर पर तिलावत करें, तिलावत जो है अपने घर पर लगाएं, तो उन सारी चीजों का एहतमाम आप घर पर रहकर भी कर सकते हैं, तो मायूस होने की वैसे कोई मुझे नहीं लगता कि कोई बात है या किसी इंसान को ऐसे सोचना चाहिए। जी जी बिल्कुल, वैसे भी मायूसी तो कुफर है और इस्लाम में तो हमेशा ये कहा बिल्कुल है कि मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रहमत बहुत है और अल्लाह बड़ा रहीम है, तो जाहिर है अगर आज ये दौर है तो कोई बात नहीं है, कल इससे अच्छा आ जाएगा, वक्त इंशाल्लाह बीच जैसा नहीं इंशाल्लाह रहता। बिल्कुल। तो चलते चलते कोई अच्छी बात अगर आप शेयर करना चाहें तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि वही बात है कि इंसान जिंदगी का कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है कोई सांसों की मोहलत कहाँ तक है, तो आप जब तक हैं मुस्बत सोचें, अच्छा सोचें, खुश रहें और सबको खुश रखें, जिंदगी जो है वो खुश रहने का नाम है, कोशिश करते रहने का नाम है, और मैं सबसे यही कहती हूँ कि हमेशा मुस्कुराते रहो और हमेशा ये कोशिश जरूर करो कि जो लोग आपके आसपास रहते हैं आप उनके चेहरों पर भी मुस्कुराहट बिखेर सके। बिल्कुल, माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बात की है, और ये कि अल्लाह मियाँ हमें इसी तरह मुस्कुराहटे बांटने का और आसानियाँ देने का जो है आमीन वो शर्फ अता करे, आमीन सुम आमीन। तो आमीन चलें इसके साथ ही हम आज के इस प्रोग्राम से अलविदा कहते, तो इंशाल्लाह आपसे बातचीत होती रहेगी, टिल देन प्लीज़ कीप वॉचिंग A1 TV।